So today we are solving another numerical on an epicyclic gear train. So first we see what is the question that is given. The question is what? In an epicyclic gear train, the arm A carries two gear B and C. Means this is the arm A which carries two gears B and C, and the compound gear DE. This is a compound gear DE. The gear B meshes with E, B meshes with E, C meshes with D. This is C and this meshes with the D. The number of teeth on gear B, C and D are 75, 30 and 90. TB 75, TC 30 and TD 90. Find the speed and direction of gear C. मीन्स हमें gear C का speed निकालना है, direction निकालना है कब? जब gear B आपका fix है और arm आपका 100 RPM करेगा anti-clockwise में. तो ये आपका arm 100 RPM करेगा, sorry, in the clockwise direction. Clear? This is the condition that is given. Now we have four gears B, C, DE. DE क्या है? Compound gear है. अगर दोनों compound gear है, तो D का RPM जो रहेगा, वही RPM किसका रहेगा? E का RPM रहेगा. So हमें किस-किस का teeth का values पता है? B का पता है, C का पता है और D का पता है. बट E क्या है? E में कितने नंबर ऑफ टीथ्स हैं ये नहीं पता. सो हम स्टार्ट करेंगे मेरा प्रोसीजर बाय ज्योमेट्री. अब कौन सा गियर कॉन्टेक्ट में है? B और E कॉन्टेक्ट में है. B एंड E आर इन कॉन्टेक्ट एंड C एंड D आर इन कॉन्टेक्ट मेश में है. सो इससे क्या होता है? डायमीटर ऑफ B प्लस डायमीटर ऑफ E जो जो कॉन्टेक्ट में है विल इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ C प्लस डायमीटर ऑफ D. एज वी नो मॉड्यूल इज वॉट? D बाई T. D क्या होगा? मॉड्यूल इन टू नंबर ऑफ टीथ. और सारे गियर्स क्या है? मेश में है, प्रॉपर मेशिंग में है. तो आपके मॉड्यूल क्या होंगे? सेम. मीन्स डायमीटर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? नंबर ऑफ टीथ के. तो ये सारे टर्म्स आपके नंबर ऑफ टीथ के टर्म से रिप्लेस हो जाएंगे. आपका अननोन क्या है? TE. सो आपको TE नंबर ऑफ टीथ कितना मिलेगा? 45. यहाँ तक क्लियर है? उसके आगे आप सेम साइन कन्वेंशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज नेगेटिव. नाउ चलिए हम अपने टेबल पे बात करते हैं. फर्स्ट आता है स्टेप नंबर, सेकंड इज कंडीशन ऑफ मोशन, थर्ड हमेशा मैंने बताया आपको आर्म से स्टार्ट होता है और बाद में ड्राइवर और ड्रिवन गियर. जिस डायरेक्शन में आपका मोशन ट्रांसमिट हो रहा है वो डायरेक्शन को आपको फॉलो करना है. तो जैसे कि हमें फाइंड आउट सी करना है, तो सी का कोई मोशन तो हमें पता नहीं है. बी फिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारे डी और ई जो कंपाउंड गियर है दोनों ये हमारे ड्राइवर हैं. क्लियर? मीन्स यहाँ से जो मोशन है वो यहाँ ट्रांसमिट होगा. तो डी किसको रोटेट करेगा? सी को. ई किसको रोटेट करेगा? आपके गियर बी को. तो मतलब हमारा डी ड्राइवर हो गया, बी एंड सी आर दी ड्रिवन गियर. तो आप चाहे पहले बी लिखो या चाहे पहले सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो डी किसको रोटेट करेगा? आपको सी को. ई किसको रोटेट करेगा? आपके गियर बी को. क्लियर? नाउ क्या दिया है? फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? हमेशा हमारी आर्म फिक्स्ड. आर्म फिक्स्ड होती है तो मीन्स हमारी आर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. प्लस वन रिवोल्यूशन टू डी ई. डी जो आपका कंपाउंड गियर है इसको हम प्लस वन रिवोल्यूशन दे रहे हैं. प्लस मतलब ऑब्वियसली एज पर आवर साइन कन्वेंशन इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलेगा. सो प्लस वन. सो अब गियर बी का रोटेशन क्या होगा? बी किसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है? देखिए जरा डायग्राम में. बी किसके कॉन्टेक्ट में? ई के कॉन्टेक्ट में है. सो हम बी और ई की बात करेंगे. सो यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका जो हमने पता है पढ़ा है स्पीड रेशियो का, एन बी अपॉन एन ई, टी ई अपॉन टी बी. इससे हमें एन बी का वैल्यू मिल जाएगा, टी ई अपॉन टी बी. क्यों? क्योंकि आपका एन ई का वैल्यू क्या है? प्लस वन. प्लस वन आरपीएम दिया है. बट अब आपका एन वी एन ई ई कैसे रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो ऑब्वियसली आपका बी कैसे रोटेट होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्सटर्नल गियरिंग. सो क्लॉकवाइज का साइन कन्वेंशन नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस टी ई अपॉन टी बी आ जाएगा आपको. सिमिलरली अब गियर सी की बात करेंगे. सी किसके कॉन्टेक्ट में है? डी के कॉन्टेक्ट में है. तो एन सी अपॉन एन डी, तो टी डी अपॉन टी सी. ऑब्वियसली हमने प्लस वन रिवोल्यूशन दिया दोनों कंपाउंड गियर को, तो पहले ई का वैल्यू प्लस वन था, अब डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस वन. सो डी एन डी का वैल्यू कितना हो गया? प्लस वन. इससे आपको एन सी का वैल्यू मिलेगा, टी डी अपॉन टी सी. ऑब्वियसली ये एंटी क्लॉकवाइज है डी, तो बी क्या होगा? क्लॉकवाइज. साइन विल भी नेगेटिव, माइनस टी डी अपॉन टी सी. होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हमें क्या करना है? आर्म को अगेन फिक्स रखना है और प्लस एक्स एलिमेंट ऐड करना है. बाद में प्लस वाई एलिमेंट सब में ऐड करना है ना. टोटल मोशन वाई या एक्स प्लस वाई या वाई माइनस एक्स टी ई अपॉन टी बी या वाई माइनस एक्स टी डी अपॉन टी सी. होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब हमें मिलती है सबकी आरपीएम. क्लियर? अब हम कंडीशन पे आते हैं. कंडीशन में क्या फाइंड करना है? हमें स्पीड ऑफ सी फाइंड करना है.
जब गियर बी क्या है आपकी फिक्स्ड है। अब आप गियर बी फिक्स्ड है तो बी के बी का ये हो गया, तो मीन्स आपको वाई माइनस एक्स टी ई अपॉन टी बी क्या मिल जाएगा, जीरो। एंड सेकंड इससे आपको क्या मिलेगा, आपको टी ई अपॉन टी बी की वैल्यू पता ही है जो नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो मिलेगा वाई माइनस 0.6x इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ तक हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या लिया, आर्म एक्स मेक्स 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, आर्म ए वाई 100 आरपीएम क्लॉकवाइज मीन्स माइनस 100, तो इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 166.67। फाइंड क्या करना है, एन सी, एन सी मतलब क्या, वाई माइनस एक्स टी डी अपॉन टी सी। आपको सब आगे सबकी वैल्यू है, y की वैल्यू माइनस 100, x की वैल्यू 166.67, टी डी कितना हो गया आपका 90 अपॉन 30, इससे आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ 400 आरपीएम, जो भी क्या होगा, क्लियर। सो अब आंसर निकालेंगे, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा